आज हमने बिना जारा के हलवाई जैसी एकदम टेस्टी और क्रिस्पी फरसान की पापड़ी बनाई है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं हलवाई जैसी फरसान की पापड़ी। 25 ml तेल लिया है, 1/4 कप से आधा 1/8 कप तेल है, 100 ml पानी ये आधा कप है और दूसरा 25 ml पानी डालेंगे ये 1/4 कप से आधा 1/8 कप जितना पानी है। टोटल 125 ml पानी डालना है। इसे हम हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। इसे आप मिक्सर जार में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। 1 मिनट मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका मिश्रण जो है एकदम व्हाइट हो गया है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, इसे हम हाथ से थोड़ा क्रश करके डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 पिंच हल्दी डालेंगे, हल्दी ज्यादा नहीं डालनी है। 250 ग्राम बेसन को छान के लिया है, बेसन को हमेशा हमें छान के ही लेना है। मैं इस तरह से इसलिए ले रही हूँ कि आपको कप का माप भी बराबर समझ में आ जाए। 1 कप बेसन डालेंगे, एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूसरा 1 कप डालेंगे, 2 कप डाला है टोटल, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। 1 कप बेसन और डालेंगे, ये 3 कप बेसन हमने डाला है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे चम्मच से ही मिक्स करेंगे। इसमें हमने 250 ग्राम बेसन का इस्तेमाल किया है। 250 ml कप का माप से 3 कप बेसन, ये 250 ग्राम बेसन होता है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में हम बनाएंगे तो इस तरह का आटा बन जाएगा। 125 ml पानी लेना है, 25 ml तेल और 250 ग्राम बेसन। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेव गाठिया और चकली हम बनाते हैं वो मशीन लिया है। ये सेव गाठिया का संचा है, इसमें इस तरह की जाली रहती है, ये जाली हम पापड़ी बनाने के लिए लेंगे। इसके ऊपर तेल से ग्रीस कर लेते हैं, इसके अंदर भी तेल लगा लेते हैं। ये जाली हमने तेल से ग्रीस की है, ये अंदर डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से चम्मच में आटा लेंगे और पानी वाला थोड़ा हाथ करेंगे ताकि आटा जो है वो हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से अंदर डाल देंगे, बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, इसे थोड़ा निकाल लेंगे। इसके ऊपर भी हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। बंद कर देंगे इसे। तेल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा आटा डाल के देख लेंगे गरम हुआ है कि नहीं। ये गरम हो गया है, इसे हमें ज्यादा गरम नहीं करना है, इस तरह से धीरे से ऊपर आए उतना ही हमें गरम करना है। तेल मीडियम गरम होना चाहिए। इस तरह से अंदर पापड़ी तेल में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे पापड़ी को फ्राई करेंगे, थोड़ी सी फ्राई हो जाए इसके बाद इसे टर्न कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे, वापस एक बार पलट लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे उलट पलट के इसे फ्राई कर लिया है और ये क्रिस्पी हो गई है तो इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है,
इस तरह से हम बाकी की पापड़ी को भी फ्राई कर लेते हैं। पापड़ी को मैंने फ्राई कर लिया है, इसे हम हाथ से इस तरह से तोड़ लेते हैं। एकदम टेस्टी और क्रिस्पी फरसान की पापड़ी रेडी है। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के एक महीना तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।